हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे। तो गाइज, आपका भाई भी एकदम मस्त है। भाई आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कोई 1 बजे, और वो स्टार्ट होता है सीधा, आपको बताऊँ भाई, पहलगाम जाते रास्ते में ना अश मकाम एक जगह आती है जहाँ पर ज्यारत है, जहाँ पर बजरंगी भाई की शूटिंग हुई थी। देखी होगी आपने, कवाली उसकी शूटिंग हुई थी, उसी ज्यारत पर मैं जा रहा हूँ। तो आपको भी बताऊँगा भाई, और जैसा भी रहता है तो दिन का पूरा बताऊंगा। और आज बड़े दिनों के बाद भी व्लॉग डाल रहा हूं, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और व्लॉग के एंड तक बने रहना। तो फाइनली गाइस, ये सामने रही मार्केट, और गाड़ी हमने नीचे पार्क कर दी और इधर से जाएंगे। इधर दो रास्ते हैं, एक गाड़ी ज़ियारत के पास जाती है और एक पैदल ना सीढ़ियों वाला रास्ता ये मार्केट से होते हुए। लेकिन हमने सोचा कि पैदल ही जाएंगे यार, गाड़ी को इधर ही पार्क करते हैं। जैसे शाहदरा शरीफ बिल्कुल ज़ियारत के पास आजकल गाड़ी जाती है, और नीचे बस स्टैंड गाड़ी लगा के अगर कोई सीढ़ियों से जाएगा, वैसा ही यहाँ पर भी वैसा ही सिस्टम है। तो कहाँ जा रहा है, कहाँ पर? इस जगह का क्या नाम है? इसको बोलते हैं ज़ैनुद्दीन वली। ये जगह कौन सी है? अश्मुकाम जगह का नाम। अश्मुकाम ग्रैंड गेट। तो गाइज देखो कितनी प्यारी मार्केट है, और यहाँ जितना जहाँ हमने गाड़ी लगाई, यहाँ से जितना शाहदरा नीचे लगा के ऊपर ज़ियारत पे जाना पड़ता है, इतना ही सफ़र है। मतलब बीच में ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी मार्केट है। और यार सुनने में आया कि ये बहुत बड़ी ज़ियारत है, मतलब बहुत अच्छी ज़ियारत है। और ऊपर चल के आपको भी बताते हैं गाइज, पहुँच गए हम ज़ियारत पर। ये सामने देख लो भाई, इतनी अच्छी ज़ियारत है ना, और इतने अच्छे व्यू पे है ना, कि आपको क्या बताऊं भाई। मतलब जो यहाँ पे आएगा ना, उसको जाने का मन नहीं करेगा भाई। मेरा तो मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। तो यहाँ पे शूटिंग भी हुई थी, मैंने आपको पहले भी बताया, बजरंगी भाई की जो शूटिंग इसी इधर ही हुई थी, इसी ज़ियारत पर। और ये पहलगाम जाते ना रास्ते में आती है, और सामने जो आपको रूम दिख रहा है ना, इसमें जो है वो बहुत सारा जो इनका सामान था, तीर था, चप्पल थी, तस्बीह, और भी बहुत कुछ है, वो भी मैं बताऊँगा आपको भाई। इतनी मस्त मतलब जगह है ना ये, इतनी बड़ी ज़ियारत है ना, इतना रश है यहाँ के, बात मत पूछो भाई। और है भी इतने ऊंची है ना, तो अभी ना मैं आपको बैक कैमरे से ना यहाँ का जो व्यू है वो बताऊँगा आपको। यार बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी। जैसे ना बच्चे के बाल वगैरह कटवाते हैं, तो वो भी किसी ने मन्नत की होती है, वो भी यहाँ के कटवाते हैं। सामने देख लो, तो भाई ये देखो तीर कमान जो था इनका, और ये सामने तस्बीह आ गई, और ये नीचे रोटी थी, जब ये खाना नहीं खाते थे ये पेड़ पे बांध देते थे, और ये पीछे बकरी का सर बता रहे हैं, ये बकरी का कुछ सर बता रहे हैं भाई, ये मरी हुई जिंदा की थी। और ये सामने देखो ताबूत शरीफ है, और ये सामने मैंने गाइस ज़ियारत वगैरह जो है वो कर लिया है। तो अभी हम ना वापस आ रहे हैं, क्योंकि यार ना ज़ियारत का ना शूट करना जो है वो अलाउड नहीं है, और मैंने इंटरव्यू वगैरह भी करना था। तो मैंने औकाफ जो पकपोर्ट का ऑफिस है वहाँ पर भी कॉल की मैंने, बट जब मैंने उनको बोला कि भाई मैं सच न्यूज़ नेटवर्क से बोल रहा हूँ, तो वो मेरी कॉल ही कट कर गए। तो पता नहीं भाई, न्यूज़ का नाम सुनते ही सबकी मतलब सुनते हो ना क्या हो जाता है। तो कॉल कट कर दी, काफ़ी ट्राई की मैंने, लेकिन उन्होंने मेरी कॉल नहीं अटेंड की। तो एक फ़िल्म की शूटिंग उन्होंने ज़ियारत पर करवा दी, लेकिन एक इंटरव्यू करने के लिए ज़ियारत के बारे में उस पर यहाँ पर पाबंदी है। तो चलो अभी देखते हैं आगे कैसा रहता है। तो भाई ज़ियारत मैंने आपको थोड़ी, फिर भी मैंने आपको जो है वो शॉर्ट लिए हैं, वो आपने देखे हैं, लेकिन भाई बहुत बढ़िया ज़ियारत है। फाइनली गाइस पहुँच गए हमें गाड़ी के पास, तो अभी यहाँ से निकलते हैं। तो अगर कुछ अच्छा आगे आएगा तो बताऊँगा, नहीं तो व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगा। शेयर लाइक कमेंट करना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट मस्त व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।